याद न जाए बीते दिनों। बीते हुए दिन कभी लौट कर नहीं आते, लेकिन बीते हुए दिनों की याद दिल से कभी नहीं जाती। बार बार बीते हुए दिनों की याद आती है। जाके ना आए जो दिन दिल क्यों बुलाए। हमारा वर्तमान चाहे जितना ही सुंदर, सुखद और शानदार हो, हमारा दिल बार बार बीते हुए लम्हों में ही जीने की तमन्ना करता है और उन्हीं लम्हों की यादों में खोया रहता है। हमेशा यही लगता है कि काश हम उन दिनों को पकड़ कर रख पाते। दिन जो पखेरू होते पिंजरे में मेरा। बीते दिनों की स्मृतियों को जीवित करने वाला ये गीत हमेशा के लिए मौजूद है। ये ऐसा गीत है जिसको बार बार सुनने का मन करता है, लेकिन फिर भी मन नहीं भरता है। साल 1963 की फिल्म दिल एक मंदिर के इस कालजयी नगमे को मोहम्मद रफी ने अपनी रूहानी आवाज से अमर कर दिया था। तस्वीर उनकी छुपा के रख दूं जहां जी। लेकिन कम लोगों को ही पता होगा कि इस गीत के बनने के पीछे उस रूहानी आवाज का एक चमत्कार छिपा हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं इस गाने की रिकॉर्डिंग के समय संगीतकारों के सामने कैसी विषम परिस्थिति पैदा हो गई थी और किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये गाना रिकॉर्ड हो पाएगा, लेकिन ऐसा चमत्कार हुआ कि ये गाना बिना किसी दिक्कत के रिकॉर्ड हो गया। याद न जाए बीते दिनों। क्या थी वो परिस्थिति और कैसे रिकॉर्ड हुआ वो गाना, इस वीडियो में जानेंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आज आपके सामने जो वीडियो पेश किया जा रहा है उसे देखकर सुनकर रफी साहब के प्रति आपका प्यार और सम्मान और अधिक गहरा हो जाएगा। आपने धार्मिक और प्रेरक कथाओं में सुना होगा कि एक स्वर्गीय और दैवीय गुण वाले महापुरुष के रास्ते में आने वाली हर बाधा खुद ब खुद दूर होती चली जाती थी। इस गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान ऐसा ही कुछ हुआ था। जाके ना आए जो दिन दिल क्यों बुलाए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी आपको देना चाहती हूँ कि ग्रेट लीजेंड्स चैनल के सहयोग से एक नया चैनल आपकी सेवा में पेश किया जा रहा है जिसका नाम है सिनेमाया। इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आप यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी उस चैनल पर जा सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो की तरफ। ये किस्सा है फिल्म दिल एक मंदिर के गीत की रिकॉर्डिंग का। साल 1963 में रिलीज हुई इस फिल्म का निर्देशन किया था सीवी श्रीधर ने। श्रीधर ने ही 1962 में नेंजिल और अलायाम नाम से तमिल फिल्म बनाई थी जिसका रीमेक थी दिल एक मंदिर। पूरी की पूरी फिल्म केवल 27 दिन में बनकर तैयार हो गई थी। बताया जाता है कि इस फिल्म में अपनी भूमिका को बेहतरीन तरीके से निभाने के लिए मीना कुमारी ने सितार बजाना सीखा था। दिल एक मंदिर फिल्म में मीना कुमारी और राजेंद्र कुमार के अलावा राजकुमार और महमूद ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं। इस फिल्म के सारे गीत खूब लोकप्रिय हुए। फिल्म के टाइटल सॉन्ग दिल एक मंदिर है गीत को रफी साहब ने सुमन कल्याणपुर के साथ गाया था। रफी साहब का गाया एकल गीत तुम सबको छोड़कर भी खूब लोकप्रिय हुआ। तुम सबको छोड़कर आ जाओ आ जाओ। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के गाए दो गीत भी खूब पसंद किए गए और आज भी लोकप्रिय हैं। ये गीत हैं हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे और दूसरा गीत है रुक जा रात ठहर जा रे चंदा। हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं रुक जा रात ठहर जा रे चंदा बीते न मिलन। अब बात करें उस गीत की जिसके बारे में इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करने जा रहे हूँ। इस गीत को पर्दे पर गाया था जुबली कुमार यानी राजेंद्र कुमार ने।
ये गीत महान गायक मोहम्मद रफी की आवाज पाकर अमर गीत बन गया। सीने से रहता लगाए याद न जा। इसके संगीत निर्देशक थे शंकर जयकिशन, इसे लिखा था शैलेंद्र ने। इस गीत को मुंबई के ताड़देव स्थित फेमस लैब में रिकॉर्ड किया जाना था। इस गीत की रिकॉर्डिंग के लिए फेमस लैब में डेट भी लिया गया था, लेकिन जिस दिन इस गीत को रिकॉर्ड किया जाना था उससे एक दिन पहले रफी साहब को तेज बुखार हो गया। बुखार से उनका शरीर तप रहा था, सिरदर्द और बदन दर्द भी था, लेकिन रफी साहब अपने वायदे के पक्के थे, इसलिए रिकॉर्डिंग को टालने का तो कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि उन्हें ये पता था कि रिकॉर्डिंग टालने पर संगीतकार को नुकसान हो जाएगा, जो कि वो कभी होने नहीं देना चाहते थे। वो तय समय से पहले स्टूडियो के लिए घर से रवाना हो गए, लेकिन रिकॉर्डिंग से पहले संगीतकार के सामने एक भारी दिक्कत आ गई। रफी साहब के कारण नहीं, बल्कि फेमस स्टूडियो में काम करने वाले कर्मचारियों और म्यूजिशियनों के कारण। वहां के कर्मचारियों और म्यूजिशियनों ने अपनी मांग को लेकर हड़ताल कर दी। वहां के सारे कर्मचारी काम छोड़कर धरने पर बैठ गए। संगीतकार शंकर जयकिशन के सामने तो बहुत कठिन परिस्थिति पैदा हो गई। वे भी हड़ताल कर रहे कर्मचारियों को मनाने की हर संभव कोशिश कर रहे थे, ताकि किसी तरह से गाने की रिकॉर्डिंग समय पर हो जाए, लेकिन कर्मचारी टस से मस नहीं हो रहे थे। संगीतकार को समझ नहीं आ रहा था कि करें तो करें क्या। अंत में शंकर जयकिशन जी को एक उपाय सूझा कि रफी साहब से कहा जाए कि आप आज रिकॉर्डिंग के लिए नहीं आए, इसकी रिकॉर्डिंग दूसरे दिन होगी। संगीतकार ने रफी साहब के घर पर फोन किया, लेकिन वहां से पता चला कि रफी साहब तो घर से निकल चुके हैं। ये सुनकर शंकर जयकिशन साहब को पसीना आ गया। उन दिनों मोबाइल फोन तो था नहीं कि कभी भी किसी को कहीं भी फोन कर लें। उन्हें ये डर था कि रफी साहब अगर यहाँ पहुंच गए तो यहाँ की स्थिति को देखकर उन्हें खराब महसूस होगा। संगीतकार कर्मचारियों को समझाने लगे कि रफी साहब कुछ ही देर में यहाँ पहुंच रहे हैं और आप लोग कम से कम इस गाने को रिकॉर्ड करवा दें, बाद में जो करना है करते रहें। लेकिन कर्मचारी मान नहीं रहे थे, वे हड़ताल पर ही डटे रहे। इसी बीच रफी साहब की गाड़ी स्टूडियो में आकर रुकी और रफी साहब गाड़ी से उतरकर अपने सेक्रेटरी जहीर बारी के साथ रिकॉर्डिंग रूम की तरफ चल पड़े। रफी साहब स्टूडियो के हालात और कर्मचारियों की हड़ताल से बेखबर थे। शंकर जयकिशन घबराए हुए रफी साहब के पास आए। दोनों ने जब रफी साहब को देखा तो उन्हें अंदाजा हो गया कि उनकी तबीयत आज ठीक नहीं है। उनके मन में एक विचार आया कि कैसे रफी साहब को स्टूडियो के कर्मचारियों की हड़ताल की बात बताए बगैर उनको दूसरे दिन रिकॉर्डिंग कर लेने के लिए कहा जाए। शंकर जयकिशन साहब ने रफी साहब से कहा, रफी साहब आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आप ऐसे में रिकॉर्डिंग के लिए क्यों आ गए? आप हमें बताते कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, हम बाद में रिकॉर्डिंग कर लेते। ऐसा करते हैं कि रिकॉर्डिंग किसी और दिन कर लेंगे, आज आप आराम करें, कहीं तबीयत और ना बिगड़ जाए, रिकॉर्डिंग तो होती रहेगी, आज नहीं तो कल कर लेंगे। रफी साहब ने शंकर जयकिशन साहब से कहा, आप कैसी बातें करते हैं, जब गाने की रिकॉर्डिंग की डेट दी है तो इसे आगे के लिए क्यों टालें, इस गाने की रिकॉर्डिंग आज ही पूरा कर लेते हैं। जब शंकर जयकिशन साहब की रफी साहब से बात हो रही थी, उसी दौरान कर्मचारियों में ये बात फैल गई कि रफी साहब बुखार में भी रिकॉर्डिंग के लिए पहुंच गए हैं और वो आज ही रिकॉर्डिंग करने को कह रहे हैं। उधर शंकर जयकिशन साहब रफी साहब को घर जाकर आराम करने के लिए मना रहे थे और रफी साहब आज ही रिकॉर्डिंग करने की बात कर रहे थे। उतने में ही वहां सारे म्यूजिशियन और टेक्नीशियन आ गए। वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाकर साजो सामान और मशीन आदि ठीक करने लगे। टेक्नीशियनों ने कहा कि रफी साहब जब बुखार में भी आज रिकॉर्डिंग करने को कह रहे हैं तो रिकॉर्डिंग को बाद के लिए क्यों टालें, चलिए रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। शंकर जयकिशन साहब को तो बिना मांगे मुराद मिल गई। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो म्यूजिशियन और कर्मचारी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे और अपनी जिद पर अड़े थे, वो किसी के समझाए बिना ही कैसे मान गए। शंकर जयकिशन को अंदाजा हो गया कि रफी साहब क्या थे और लोगों के मन में उनके लिए कितना सम्मान और कितनी इज्जत थी। कई संगीतकार कहते थे कि रफी साहब जब चलते थे तो ऐसा लगता था कि वो अकेले नहीं चल रहे हैं, ऐसी कोई शक्ति है जो उनके साथ चल रही है। खैर, रिकॉर्डिंग हुई और बुखार से तपते हुए रफी साहब ने जिस गीत को जिस शिद्दत के साथ गाया, वो गीत अमर गीत बन गया। और बरसों बाद आज भी आप जब इस गीत को सुनेंगे तो बार बार सुनने का मन करेगा, आंखें नम हो जाएंगी। याद न जाए
बीते दिनों। तो दोस्तों ये था किस्सा दिल एक मंदिर फिल्म के उस अमर गीत के बनने का, जिसका रूहानी असर इस गीत को सुनने पर आज भी महसूस होता है। तो दोस्तों इस गीत के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? दिल एक मंदिर फिल्म में रफी साहब ने और भी गीत गाए थे। इस फिल्म में कौन सा गीत आपको सबसे अच्छा लगता है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही फिल्म दिल एक मंदिर के गीतों से जुड़ी कोई और जानकारी आपके पास हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि अन्य लोगों तक भी वो जानकारी पहुंच सके। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं किसी और गीत या किसी अन्य फिल्मी हस्ती से जुड़ी हुई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।